हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग योर होमवर्क विच एवर इज़ गिवन टू यू। आइए, इसी के साथ आज हम हिंदी ग्रामर का भी शुरू करेंगे। उसका टॉपिक जो है वो है लिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है? जिस शब्द के रूप से हमें यह पता चले कि यह शब्द पुरुष जाति के साथ संबंधित है या स्त्री जाति के साथ संबंधित है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार का होता है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, लड़का, घोड़ा। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह शब्द पुरुष जाति से संबंधित है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में दिया हुआ है, दादा, लड़का, घोड़ा। यह सारे शब्द पुरुष जाति से संबंधित हैं और इन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, दादी, घोड़ी। जैसे लड़की, दादी और घोड़ी तीनों ही स्त्री जाति के साथ संबंधित हैं, उसी का हमें बोध कराते हैं, तो इसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए, अब हम वो पार्ट करेंगे जो आप लोगों को अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। एक तरफ मैंने पुल्लिंग शब्द लिए हैं और दूसरी तरफ मैंने स्त्रीलिंग शब्द लिए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। दादा, दादी, लड़का, लड़की, नर, नारी, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, राजा, रानी, पति, पत्नी, भाई, बहन, शेर, शेरनी, मामा, मामी, पिता, माता, मोर, मोरनी, कबूतर, कबूतरी, लेखक, लेखिका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सब समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर काम करेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो हैंड राइटिंग है, आप बुक्स पे कर रहे हो या नोटबुक्स पे कर रहे हो, तो वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। शब्दों की जो बनावट है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि साथ साथ आप जो लर्निंग वर्क है वो भी कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपनी रिटन प्रैक्टिस भी साथ के साथ ही कर रहे होंगे। थैंक यू।